नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित कुमार सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल स्पोर्ट्स एंड फिटनेस टिप्स पे, जहां पर होती है रनिंग और फिटनेस से जुड़ी 100% सही बातें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि रनिंग करते समय जो गला सूख जाता है, जिसके कारण आप रुक जाते हो, ज़्यादा देर तक नहीं दौड़ पाते हो, तो उस टॉपिक पर आज बात करेंगे। उसका हम आपको बताएंगे कि आप अगर कोई गलती करते हैं तो वो गलती नहीं करना है, जिससे आपका गला नहीं सूखेगा, और कुछ टिप्स भी बताऊंगा जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका गला डेफिनेटली नहीं सूखेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको पहले बता देते हैं होता क्या है। देखिए, हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, जहाँ पर ये लिक्विड लिक्विड पार्ट है, इसको सलाइवा बोलते हैं, तो वो निकलना धीरे धीरे कम हो जाता है या फिर बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा गला भी सूख जाता है। जब तक सलाइवा रहेगा तब तक हमारा गला नहीं सूखता है, लेकिन जैसे ही सलाइवा का प्रोडक्शन कम हो जाता है या सलाइवा हमारा जल्दी से सूख जाता है, तो हमारा होता है गला सूखने लगता है। तो इस कंडीशन में लोग ज़्यादा देर तक नहीं दौड़ पाते और हार के छोड़ देते हैं रेस या फिर रनिंग भी, जो भी इवेंट करते हैं। खास करके ये उन धावक के साथ होता है जो कि नए नए रनिंग का अपना शुरुआत कर रहे हो। ठीक है, अगर आप भी नए रनिंग का शुरुआत कर रहे हो तो ये आम बात है, ये धीरे धीरे आपका 10, 15, 20, 25 दिन के आसपास ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम आपको कुछ कारण बताते हैं। अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हैं, मतलब ये चीज़ करते हैं, तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। ठीक है, जिससे जिसके कारण आपका गला सूखने की वजह हो सकती है। तो जो पहला रीज़न है गला सूखने का, वो क्या है कि आपका ओवरऑल दिन भर में आप पानी जो है बहुत कम पीते हैं, अपना बॉडी को हाइड्रेट नहीं रख पाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा सलाइवा प्रोडक्शन में दिक्कत होता है और हमारा गला सूखने लगता है। ठीक है, तो दिन भर में मिनिमम आपको 3 लीटर पानी ज़रूर पीना है, और सबका इंडिविजुअल, सबके वर्कआउट के ऊपर वैरी करते रहता है कौन कितना पिएगा। इसके लिए साइंटिफिक रूल है, जिसके लिए जल्द मैं वीडियो बना दूंगा कि पानी कितना पीना चाहिए एक एथलीट को, क्योंकि सबका वर्कआउट लेवल अलग होता है। और कोई स्प्रिंटर होता है, कोई लॉन्ग रेसर होता है, कोई बहुत ज़्यादा वर्कआउट करता है, कोई कम करता है, तो सबका लेवल अलग होता है। ठीक है, किसी का वेट ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो सबका लेवल अलग होता है, तो उस हिसाब से वाटर पीना है। लेकिन मिनिमम आपको दिमाग में इतना भी बैठा लेना है कि आपका जो यूरिन है, टॉयलेट है, कभी पीला नहीं होना चाहिए। ठीक है, पीला हो रहा है मतलब आपके बॉडी में पानी की कमी है। तो पहला चीज़ ये जो लोग गलती करते हैं। अब दूसरा चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा मुँह खोल कर रनिंग करते हैं। ठीक है, आप बहुत को देखे होंगे कि मुँह बहुत ज़्यादा, पूरा जो सांस लेते हैं मुंह से ही लेते हैं, तो इससे क्या होगा, हवा बहुत जल्दी में अंदर बाहर होगा, जिससे हमारा जो सलाइवा होता है, ये लिक्विड पार्ट, ये सूख जाता है। ठीक है, तो आपको मुंह खोल कर तो दौड़ना है, लेकिन पूरा बहुत ज़्यादा मुंह से ही डिपेंड नहीं करना है। ठीक है, और रनिंग करने का जो ब्रीथिंग टेक्निक होता है, उसके रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुँह खोलना है रनिंग के सिवाय, बहुत लोग मुँह बंद करके दौड़ते हैं, ये गलती है उनका, मुँह खोलना, लेकिन बहुत ज़्यादा मुँह पर ही डिपेंड नहीं करना है कि मुँह से ही सांस ले रहे हैं, मुंह से ही छोड़ रहे, इसमें हमारा गला सूखेगा, ये स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, और ब्रीथिंग टेक्निक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेक कर लीजिएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ये दो टिप्स हो गया। तीसरा टिप्स हो गया, अगर आप सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं या फिर गुटखा वगैरह का सेवन करते हैं, एल्कोहल कंजप्ट करते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, ये हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है ये सब सारे चीज़ें, जिससे हमारे बॉडी में लिक्विड की कमी हो जाती है और हमारा गला सूखने की संभावना हो सकती है, और इससे ओवरऑल आपका परफॉर्मेंस भी डाउन होता है। बहुत लोग बोल भी रहे हैं इसके बारे, टॉपिक पे रिलेटेड की वीडियो बनाइए, तो हो सके तो जल्दी मैं इस टॉपिक के रिलेटेड वीडियो बना दूंगा। ये सब सारे जितने भी टॉपिक है, शराब गुटखा वगैरह के ऊपर, मैं जल्दी वीडियो ला दूंगा कि इसका क्या डिसएडवांटेज है रनिंग पे और कैसे है। ठीक है, तो ये 3 टिप्स हो गया। अब हमारा चौथा टिप्स ये है कि अगर आप चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं या फिर कैफीन सप्लीमेंट लेते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं या फिर अल्कोहल का मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, तो ये हमारा बॉडी को डिहाइड्रेट करने लगता है। ठीक है, तो यही 4 चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो आप भी ना कीजिए। और पानी दिन भर में आपको कम से कम 3 लीटर पीना ही पीना है, और इतना ज़रूर पीना है कि आपका टॉयलेट जो है पीला ना हो। तो अब चलिए हम बात करते हैं इसका सॉल्यूशन के ऊपर, किस तरह से आप कौन सा टिप्स फॉलो कर आप अपने गला को सूखने से बचा सकते हैं रनिंग के दौरान। तो देखिए, मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए 3-4 टिप्स से लेके आया हूँ, उसको फॉलो करना है, आपको देखने में आएगा कि गला सूखने की समस्या आपको बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म होते जा रहा है। ठीक है, जो पहला टिप्स है हमारा, वो ये है कि आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर आप पानी बहुत कम पी रहे हैं तो पानी का इंटेक बढ़ा दीजिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका इनडायरेक्टली पानी का इंटेक की वजह से हो सकता है कि आपका गला सूख रहा, अगर आपको कोई ऐसा बीमारी नहीं है। ठीक है, तो पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ हो गया, जब आप रनिंग के लिए जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोल पाउडर ले सकते हैं। इलेक्ट्रोल पाउडर आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है रनिंग के दौरान। और इसको किस तरह से लेना है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कोई रेपिटेशन लगा रहे हैं या 1400 मीटर के 10 लगाए हैं, 8 लगाए हैं, ठीक है, तो उन दोनों, उनके बीच में जो रिकवरी होता है, उन उस समय एक ढोक लगा सकते हो।
ठीक है, इससे क्या करेगा कि हमारा जो गला सूखने की समस्या है ये कम होगा, और इसमें बहुत सारे जो इलेक्ट्रोल होता है उसमें पोटासियम, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, सबके अलग अलग बेनिफिट है। इलेक्ट्रोल पाउडर के ऊपर मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा पूरे डीपली समझा कर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोल पाउडर आपको समझा दिया, पहला टिप्स आपको पानी बहुत पीना है, दूसरा आपको वर्कआउट के बीच में इलेक्ट्रोल पाउडर लेना है, एक इलेक्ट्रोल पाउडर को आप 2 से 3 दिन चला सकते हैं। और बहुत लोग बोल रहे थे कि सर रनिंग के लिए आप सप्लीमेंट बताइए, तो देखिए मैं रनिंग के लिए सप्लीमेंट इस चैनल पे इसलिए अभी नहीं बताता हूँ क्योंकि अगर सप्लीमेंट बताऊँगा तो लोगों को लगेगा कि वो डिस्करेज हो जाएंगे, लोगों को लगेगा कि यार सप्लीमेंट के बिना रनिंग नहीं हो सकता। तो गाइज ऐसा नहीं है, आपके दिमाग में ये नहीं बैठाना है, मैंने खुद 2 साल स्टेट जीता हूँ बिना सप्लीमेंट के घर के खाने से, ठीक है। तो आप भी जीत सकते हैं और आर्मी का रेस आप इजीली निकाल सकते हैं विदाउट कोई सप्लीमेंट। अगर आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि वो लड़का BCAA लेता है, प्रोटीन लेता है, ग्लूटामाइन लेता है, ये सब लेता है, तो ये सब से उसका परफॉर्मेंस बहुत इंक्रीज़ हो जाएगा और मेरा नीचे रह जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है, आप विदाउट एनी सप्लीमेंट आर्मी का दौड़ आराम से निकाल सकते हो, ये मैं ठोक के बोल सकता हूँ, ठीक है। आप आराम से निकाल सकते हो दौड़ विदाउट सप्लीमेंट, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस चैनल पर ज़्यादा सप्लीमेंट के ऊपर बात नहीं करता हूँ। अगर फिर भी अगर आपको सप्लीमेंट चाहिए नॉलेज के लिए कि कौन कौन सा सप्लीमेंट किस लिए यूज़ किया जाता है, तो मैं सप्लीमेंट सीरीज़ स्टार्ट करके सब कुछ बता दूंगा कि कौन सा आप सप्लीमेंट आप कब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो वो जल्दी उसके ऊपर सारे सप्लीमेंट जितने भी रनिंग में यूज़ होते हैं सारे के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा कि सबका यूज़ कैसे है। तो यही हो गया हमारा 2 टिप्स, अब हमारा है तीसरा टिप्स। आप क्या कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रोल पाउडर नहीं ले सकते रनिंग के दौरान, अगर आप बहुत ही मतलब वीक कंडीशन है घर का, तो आप क्या कर सकते हैं उस समय आप हनी ले सकते हैं 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच हनी एक छोटा सा बोतल में, ठीक है। एक छोटा सा बोतल जो आता है 250 ml के आसपास में, उसमें मिलाकर उसको रख सकते हैं और उसको भी रेपिटेशन के बीच में लगा सकते हैं, वो भी आपका गला सूखने नहीं देगा, ठीक है। और जो हमारा जो शहद होता है उसमें अच्छे मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होता है और आपको एनर्जी भी देगा, ठीक है। आप बहुत बार देखे होगा या सुने होगा कि दौड़ से पहले कोई कोई लड़का मतलब शहद चाट के दौड़ता है, ठीक है। उसका यही रीज़न है कि वो तुरंत एनर्जी देता है, कार्बोहाइड्रेट अच्छे मात्रा में होती है। तो ये 3 टिप्स हो गया। चौथा टिप्स हमारा ये है कि आप गम यूज़ कर सकते हो, चिलगम, ठीक है। चिलगम शुगर फ्री वाला, सेंटो फ्रेश वगैरह नहीं, जिस मिंट आता है, क्लोर मिंट आता है, ये सब आप उपयोग कर सकते हैं जब आपका बहुत ज़्यादा गला सूखता है या फिर कोई कभी आपका लॉन्ग ड्यूरेशन का वर्कआउट हो, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ना हो जिसमें आपका लगता है कि मेरा गला सूख सकता है। और एक और बहुत समस्या है कि मुझे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर लोग मतलब बीच में वर्कआउट के बीच में पानी पी सकते हैं कि नहीं, तो देखिए वर्कआउट के बीच में आप हल्का हल्का सिप का पानी पी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता और आपका बेनिफिट होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत सारा हाई इंटेंसिटी वाला वर्कआउट होता है जहाँ पर कुछ देर के लिए पानी पीने के लिए मना कर दिया जाता है, वो वर्कआउट का पार्ट है, लेकिन आप पानी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यही 4 टिप्स था, जिसको फॉलो करना आपका गला नहीं सूखेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको दिमाग नहीं लड़ाना है एक सप्लीमेंट के ऊपर कि सप्लीमेंट के विदाउट आप अपना दौड़ नहीं निकाल सकते, वो लड़का तो सप्लीमेंट ले रहा है, हम उससे अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो भाई सप्लीमेंट बस एक फैक्टर होता है, सप्लीमेंट का नाम भी है सप्ली, मतलब कि जब तक आप घर का अच्छा डाइट नहीं लीजिएगा सप्लीमेंट वर्क नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए मैं आपको कभी डीमोटिवेट नहीं करता हूँ और ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप विदाउट सप्लीमेंट के दौड़ नहीं निकाल सकते। मैं खुद अपना बताया एक्सपीरियंस कि मैं स्टेट 2-3 साल लगातार जीता हूँ और विदाउट एनी सप्लीमेंट घर के खाने से ही जीता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्त, अगर आपको सप्लीमेंट के बारे में प्रॉपर नॉलेज चाहिए तो सप्लीमेंट का मैं सीरीज़ निकाल दूंगा पूरा, हर एक सप्लीमेंट के बारे में डीप नॉलेज कि किसका उपयोग कब होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।